हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैरीगोल्ड को सीड से किस तरह से ग्रो करा जाता है। हमारे पास एक पैकेट है जो नियरली 40 या 30 रुपीज के आसपास का है। चलिए चेक करते हैं किस तरह से इसके सीड्स निकलते हैं। तो दोस्तों हमारी ये सीड अवेलेबल है। दोस्तों सॉइल मिक्सचर हमारा ये रहेगा, हमारा 70% रहेगी हमारी नॉर्मल गार्डन टॉप सॉइल, जिसमें थोड़ी सी रेती मिक्स है, बजरी मिक्स है, और 20% हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद रहेगी, और 10% दोस्तों रहेगी हमारी कोकोपीट। तो चलिए इन सबको मिक्स कर देते हैं। और फास्ट जर्मिनेशन होता है हमारे सीड्स का, तो दोस्तों उसके लिए सॉइल बहुत ज़रूरी है। बाकी हम सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में ही ग्रो करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ड्रेनेज होल होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सीड जर्मिनेशन में। तो ड्रेनेज होल के बाद आपको कुछ स्टोन्स लगाने होंगे दोस्तों। कुछ स्टोन की लेयर बना दीजिए जिससे मिट्टी बाहर ना आए। और अब हमारी सारी की सारी मिट्टी हम इसमें पोर कर देंगे। सबसे पहले हम सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे जिससे सॉइल बिल्कुल हिले ना, क्योंकि अब हम सीड लगाने वाले हैं। दोस्तों हमेशा सीडलिंग ग्रो करने से पहले आप ट्री प्लान कर लेंगे आप क्या करने वाले हैं। थोड़ी सी सॉइल मॉइस्ट कर दी है हमने, अब हमारे जो सीड्स हैं उन्हें ग्रो कर देते हैं। अब नॉर्मल स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें 1 इंच कोकोपीट की लेयर बिछानी है। एक इंच की लेयर के बाद दोस्तों फिर से आप मॉइस्ट कीजिए अपने सॉइल को। और दोस्तों रिवर्स फॉर्म में हमें वाटर देना है, तो उसके लिए आपको एक ट्री की जरूरत होगी। इस तरह से हम किसी टब में दोस्तों इसको रखेंगे। और अब दोस्तों हाफ एन आवर में ये वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर हम इसको इसमें से निकाल देंगे। और अब चेक करते हैं अपडेट कि कितने दिन में हमें जर्मिनेशन मिलता है। दोस्तों 15 दिन के बाद जो रिजल्ट मिला हमें वो ये था, हमारे सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो चुके हैं और कुछ कुछ अभी भी हो रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, 15 दिन में ही हमें हमारे सीड की जर्मिनेशन मिल जाती है। आप देखें एक इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा है, थोड़े और दिन निकल जाने दो, नियर अबाउट 5 to 6 days मोर, उसके बाद हम इन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे फ्लावर लेकर आएँ। दोस्तों 21 डेज के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिला वो बहुत ही खूबसूरत था। हमारी सीडलिंग अब ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेडी हो चुकी है और हमारे पास काफ़ी खूबसूरत सीडलिंग अवेलेबल हो चुकी है। और ये सिर्फ 30 रुपीज़ में हमें इतने सारे फ्लावर मिल चुके हैं। और अगर हम प्लांट लेने जाते तो हमें काफ़ी कॉस्ट वाइज बहुत महंगा पड़ जाता, बट अब हम इन्हें इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं और हमारे पास एक वंडरफुल गार्डन हो सकता है। तो चलिए कुछ सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ होने लग गई है, और कुछ का वेट करेंगे हम डेवलप होने का। दोस्तों सॉइल मिक्सचर हमारा ये रहेगा, 40% हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल रहेगी, 40% कोकोपीट रहेगा, और 20% दोस्तों हमारा वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग रहेगा। हमारे पास काउडंग अवेलेबल है तो हम काउडंग यूज़ कर रहे हैं, आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए इनको मिक्स कर देते हैं। सॉइल मिक्सचर रेडी हो चुका है दोस्तों। और अब हमारे पॉट की बात करें तो हम पॉट हम इस तरह का ले रहे हैं, थोड़ा सा लंबा पॉट ले रहे हैं, और ड्रेनेज होल यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों लंबा पॉट लेने का हमारा मोटिव ये है कि हम इसमें 3 प्लांट एक साथ लगाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब दोस्तों हम सीडलिंग ले लेंगे, जो हेल्दी होगी वो वाली हम पिक कर लेंगे। अब दोस्तों वाटर दीजिए, बट आहिस्ते से स्लोली स्लोली वाटर देना है हमें, जिससे सीडलिंग हमारी डैमेज ना हो। और दोस्तों मैं धीरे धीरे करके सारी सीडलिंग ग्रो कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों में ये हमारे पास काफ़ी अच्छे फ्लावर देने वाली हमारी सीडलिंग। जैसे ही हम इनको रिपोर्ट करते हैं इनके अंदर एक न्यू एनर्जी आ जाती है, न्यू सॉइल मिल जाता है, तो जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग दे देगा। नियर अबाउट 1 month में हमारे पास काफ़ी सारे फ्लावर आने वाले हैं। सारी सीडलिंग को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा और एक अपडेट के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी आएगा, तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।